पहले बात दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की, जहां पर मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और बढ़ सकती है मारे गए नक्सलियों की संख्या। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। एसएलआर 303 और 12 बोर के हथियार बरामद किए गए। सर्चिंग पर जवानों के निकलने के दौरान ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में नक्सलियों को ढेर किया गया है। 9 नक्सली मार गिराए गए हैं और भी नक्सलियों के मरने की संख्या बढ़ सकती है, मारे गए नक्सलियों का आंकड़ा बढ़ सकता है। और यहां पर एसएलआर 303 और साथ ही 12 बोर के हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं और साथ ही सर्चिंग पर निकले जवानों के साथ ये मुठभेड़ हुई थी। अचानक से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है, जहां 9 नक्सलियों को मार गिराया गया है। और सीधे रुख करेंगे दंतेवाड़ा से, संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दिनेश, आप नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 9 नक्सली ढेर हैं, क्या कुछ अपडेट अभी? जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि आज तड़के ही पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ की खबर आ रही थी, जो खबर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, पर अब आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि दंतेवाड़ा और बीजापुर के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 9 नक्सली से अधिक नक्सलियों की मारे जाने की संख्या बताई, इसकी मरने की नक्सलियों के मारे जाने की संख्या बढ़ भी सकती है। और मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ एसएलआर 12 बोर और 303 जैसे हथियार भी बरामद हुए हैं। और सर्चिंग के दरमियान जो जवान अभियान पे थे, उन जवानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है जो बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जो संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां 9 नक्सलियों की मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि अभी और भी नक्सलियों के मारे जाने का आंकड़ा बढ़ सकता है, हथियार भी बरामद किए गए हैं मौके से। जी हाँ, जो जानकारी मिल रही है कि 9 से अधिक जो नक्सली है वो मारे गए हैं, इसकी संख्या 9 से अधिक हो जा सकती है। और साथ ही साथ जो हथियार और नक्सल सामग्री भी बरामद किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है और 9 से आंकड़ा पार कर सकता है नक्सलियों के मारे जाने का। जी बिल्कुल, आप कौन से किस कमेटी के नक्सली हैं जिनके साथ मुठभेड़ हुई है? क्या सर्चिंग पर निकले जवानों के निकलने के दौरान ही ये नक्सली टकरा गए हैं, या पहले से कोई सूचना थी कि इलाके में नक्सली मौजूद हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सलियों के खात्मे के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इनके खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। जब से गृह मंत्री का दौरा हुआ है, उसके बाद से जवानों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए। दिनेश जी, बस्तर डिवीजन के माओवादियों की सूचना पर पुलिस की जो टीम थी, सुरक्षा बल की टीम सर्चिंग पर निकली थी, क्योंकि अब बड़े लीडरों के होने की खबर थी, इस वजह से जो फोर्स मूव करी थी। जैसे ही सीमावर्ती क्षेत्र पे फोर्स का मूवमेंट होता है और नक्सली घात लगाए, नक्सली उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर देते हैं। दोनों ओर से रुक रुक के फायरिंग हुई और यह फायरिंग अभी भी जारी है, ऐसा बताया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हथियार के साथ साथ नक्सल सामग्री भी बरामद हुआ है और यह देखने की बात है। और कहीं ना कहीं जो नक्सल ऑपरेशन है बीजापुर, सुकमा और जैसे सीमावर्ती क्षेत्र है, नारायणपुर जैसे क्षेत्र है, यहाँ पर सर्च अभियान तेज कर दिया गया, चारों दिशाओं से जो फोर्स है वो अपनी अपनी जो बिल्कुल के साथ और आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। रायपुर से संवाददाता युगल तिवारी भी जुड़ गए। युगल, एक बहुत बड़ी सफलता, 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, जानकारी है कि अभी और भी ये संख्या बढ़ सकती है, यानी कि नक्सलियों के मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए मौके से। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब रायपुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए थे तो तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जो बड़े जो आला अधिकारी थे उनसे बैठकें ली थी और पूरा फीडबैक लिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में अगर माओवादी पताल पर भी होंगे तो उन्हें ढूंढ कर मारा जाएगा। अगर वो सरकार की रीति नीति में वापस जो विश्वास नहीं रखते हैं, रुचि नहीं रखते हैं और शामिल नहीं होते हैं तो उसका अंजाम बुरा होगा।
अगर हम पूरे माओवादियों की बात करें तो अभी जब से बीजेपी की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद 150 से अधिक माओवादियों को मारा गया है और 200 से अधिक ऐसे जो माओवादी हैं जो सरकार के शासन के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार माओवादी है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और जो माओवादी साफ कर दिया गया था, या तो नक्सली आत्मसमर्पण करें, सरेंडर करें या फिर तैयार रहें। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब नक्सलियों का खात्मा तय है। दिनेश की तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे। दिनेश, अभी क्या स्थिति है? क्या अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है? जी हाँ, मुठभेड़ के बाद अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी बर्मन जी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अभी जो फोर्स है वो फोर्स जो ग्राउंड पर है और अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो पुलिस अधीक्षक ने ये बताया कि अभी जो सेना की तैनातगी और भी बढ़ा दी गई, सर्च ऑपरेशन में जोर दिया गया, सर्च ऑपरेशन चारों दिशाओं से चालू है। जी बिल्कुल, चारों दिशाओं से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी कि बच के निकल पाना बहुत ही मुश्किल है नक्सलियों के लिए। ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो चला है। बहुत शुक्रिया आप।